गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर फोर्थ चैप्टर दैट इज कॉन्गो द लैंड डेंस ऑफ फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज ट्री दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. एवरग्रीन ट्रीज मतलब जो ट्रीज पूरे हमेशा थ्रू आउट द ईयर पूरे हरी भरी रहती हैं. इक्वेटोरियल रीजन द रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर. द ब्रांचेज एंड द लीव्स ऑफ द कैनोपी. द ब्रांच एंड द लीव्स ऑफ द ट्री दैट दैट सेपरेट मर्ज एट द फाउंट ऑफ फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ रूफ. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वो DRC की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. वॉज जनरली नोन इज द जायरा. इट इज द कैपिटल ऑफ किन्सा. जायरा बोला जाता था उसको, कैपिटल ऑफ किन्सा. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका. इट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन. द इक्वेटर पास थ्रू द नॉर्थन कॉन्गो. सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर इन द नॉर्थन एमोस्फियर एंड द सम पार्ट ऑफ इन द साउथर्न एमोस्फियर. में जो कंट्रीज है कुछ है ना नॉर्थन एमोस्फियर में और कुछ साउथर्न एमोस्फियर में है. इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन. इट वॉज रूल्ड बाय द बेल्जियम फ्रॉम 1885 अंटिल इट्स बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1960. बेल्जियम के द्वारा रूल की गई थी 1885 में, 1960 था. कॉन्गो ऑक्यूपाइज द हार्ट ऑफ कॉन्गो बेसन विच इज द वर्स्ट फ्लोइंग एरिया सराउंडेड बाय द माउंटेन्स ऑन थ्री साइड्स. द कॉन्गो रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नाइल. क्लाइमेट बींग नियर द इक्वेटर. द क्लाइमेट इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मेक द ह्यूमिडिटी वेरी रिच. This causes a cloud build-up the afternoon and rain comes down to the 4 p.m. This happens. The climate होता है इक्वेटर के द्वारा रीच होता है. जब इवेपोरेशन होता है वाटर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर के लिए, जो ह्यूमिडिटी वेरी हाई कर देता है, वहाँ की नमी बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, और जहाँ बारिश होती है वो 4 p.m. के अकॉर्डिंग 4 p.m. ऑनवर्ड्स होती है. कॉन्गो स्पेशली इन द साउथ, साउथ में रहता है जहाँ रेन नहीं होती. सम पार्ट्स ऑफ कॉन्गो जो साउथ में है वहाँ पर स्पेशली बारिश नहीं होती. वेजिटेशन ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो हैज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विच एक्सेलेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. बहुत अच्छा वो मतलब उधर का वेदर रहता है हॉट एंड ह्यूमिड, वो बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. न्यू द रीजन कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट. उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, जहाँ हमेशा पेड़ हरे भरे रहते हैं. ओके, द ग्रीस ग्लासलैंड को सवाना, सवाना बोलते हैं इन्हें, ग्रीस ग्लासलैंड. वाइल्ड लाइफ, इधर की वाइल्ड लाइफ में रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड एक्सीलेंट शेल्टर. जो एनिमल एक्सीलेंट शेल्टर मतलब अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए. इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स. बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ के इंसेक्ट्स हैं. रेप्टाइल्स यानी कि छुपकर, एलिगेटर्स यानी कि मच्छर, आपको पिक्चर्स में दिख रहे होंगे. गोरिल्लास, चिंपांजीज, बबून्स आर द फाउंड इन द फॉरेस्ट. रेप्टाइल्स इंक्लूड स्नेक, पाइथन्स एंड क्रोकोडाइल्स. द हिप्पोपोटामस एंड द क्रोकोडाइल्स आर मोस्टली फाउंड इन द स्वैम्प्स एंड द रिवर्स. ए लार्ज हॉर्स लाइक एंटापोल कॉल्ड ओपिया इज कॉल्ड फाउंड हेयर. द मोस्ट कलरफुल क्रिएचर्स आर इन द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, फेमस फॉर देयर ब्राइटली कलर्ड प्लम्स एंड द लॉन्ग टेल फैदर. द ओनली लिविंग रिलेटिव ऑफ द जिराफ इज ओपाई. जो रिलेटिव है ओपाई जिराफ का, वो एक ओपाई है. एग्रीकल्चर के लिए फार्मिंग, फिशिंग, गैदरिंग फ्रूट्स आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. दे हैव अडॉप्ट द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग. वास्ट एरिया वहाँ का मेन जो है काम एग्रीकल्चर का, फार्मिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग है, जहाँ के लोगों ने एक मॉडर्न मेथड अडॉप्ट किया है फार्मिंग करने के लिए. द वेस्ट एरिया ऑफ द हैव बीन क्लियर बाय द प्लांटेशन ऑफ द टी, कॉफी, रबर एंड ऑयल प्लांट. जहाँ मेन प्लांटेशन क्लियर होती है टी, कॉफी और रबर ऑयल प्लांट से. ग्राउंड नट्स फ्रेश क्रॉप होते हैं, शुगर केन ग्रो होते हैं, कॉटन ग्रो होता है, ग्राउंड नट्स होते हैं, बनाना होते हैं, कैश्यू यानी कि काजबा अब काजू. इट्स अ स्पेशल वेजिटेबल ग्रोन हेयर लाइक स्वीट पोटैटोस ऑल्सो. डू नॉट मेक फ्लोर. द स्ट्रूट्स ऑफ स्टार्ची ड्राइड मेक फ्लोर ऑफ टॉप किया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, द टाइप ऑफ फार्मिंग कॉल शिफ्टिंग कल्टीवेशन. डिक्रीजिंग इनका फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है. मिनरल वेल्थ होती है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज वेरी रिच इन मिनरल वेल्थ. इट इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द मिनरल्स इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में जो कॉन्गो है मतलब डेमोक्रेटिक, वो रिचेस्ट कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है. कॉपर, गोल्ड, अरेरियम
बेरिलियम टिन जिंक एंड डायमंड्स के लिए माइंड होती है, रिचेस्ट है वो, रिचेस्ट मिनरल वेल्थ में है, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री में। इट इज़ प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड डायमंड्स, पूरे आधे दुनिया को ये प्रोवाइड करते हैं डायमंड। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ कॉन्गो एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, जो कॉन्गो है वो 2/3 एक्सपोर्ट करता है कौन से मिनरल्स को। इंडस्ट्री, कॉन्गो इज ओनली अ फ्यू इंडस्ट्री एंड मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज लाइक किन्शासा, द कैपिटल ऑफ कॉन्गो। किन्शासा इंडस्ट्रीज हैं, कैपिटल लुमासिया, लिकेजा एंड मतादी मतादी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आर फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के लिए हैं, सीमेंट के लिए, टेक्सटाइल के लिए, वेजिटेबल्स ऑयल्स एंड सिगरेट्स के लिए हैं। ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट आर ग्रेट इंपॉर्टेंट, द कॉन्गो रिवर इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्शन, पीपल यूज बोट्स कॉल्ड कायाक्स, उनको बोट्स यूज करते हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंस है उनके लिए। जो लाइफ ऑफ द पीपल, कॉन्गो इज अ थिक कॉन्गो इज अ थिकली पॉपुलेटेड, द पीपल हैव बिलोंग टू द वेरियस ट्राइब, द लार्जेस्ट ट्राइब इन कॉन्गो इज बंटू ट्राइब, द बंटू पीपल आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर, बंटू जो पीपल होते हैं वो टॉल होते हैं, उनके कर्ली हेयर्स होते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ पिंगुइन्स आल्सो लिव इन द डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में लार्ज नंबर ऑफ पिंगुइन्स रहते हैं, दे आर शॉर्ट इन हाइट, जो शॉर्ट हाइट के रहते हैं। हर्ट्स आउट ऑफ ब्रांचेस, वो ब्रांचेस हर्ट्स बनाते हैं, लिव ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली वुड स्कॉर्पिंग ऑफ इबोनी इन द मैक्रोनी, वुड आर मेड बाय द पीपल ऑफ द कॉन्गो, विच आर जनरली एडमायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द ट्रेडिशनली ड्रेस अमॉन्ग द वुमेन इज लॉन्ग वन पीस कॉटन ड्रेस, लॉन्ग वन पीस कॉटन ड्रेस की रहती है, मैन वियर ट्राउजर विद जैकेट, पीपल लव टू सिंग एंड डांस। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।